हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर्स। दिस इज सचिन सैनी और आज हम शुरू करने वाले हैं अपना नया प्रोग्राम जिसमें हम सीखेंगे किस तरीके से दो या दो से ज्यादा हम ऑब्जेक्ट्स को मर्ज करते हैं एक साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, हमारी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल है, इसमें हमने अपनी जो जावास्क्रिप्ट की फाइल उसको लिंक करा लिया है। ठीक है, तो जो भी हम कोड लिखेंगे जावास्क्रिप्ट की फाइल में लिखेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट बना रखे हैं, एक पर्सन नाम का और एक स्टूडेंट नाम का। ठीक, अब हम करेंगे क्या, देखिए अब हम मर्ज करेंगे इन दोनों ऑब्जेक्ट को। तो एक काम करते हैं, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। लेट न्यू ऑब्जेक्ट, न्यू ओबीजे नाम दे देते हैं उसको। तो लास्ट ट्यूटोरियल में हमने सीखा था किस तरीके से हम क्लोन करते हैं ऑब्जेक्ट को, तो इसी में जो ये हम कर रहे हैं इसमें हम लास्ट ट्यूटोरियल की हेल्प लेने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम करेंगे ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, ठीक, ब्रैकेट में लगाएंगे। देखिए हमें पर्सन में मर्ज करना है स्टूडेंट को। अब क्या होगा, स्टूडेंट के जितना भी डेटा है वो आ जाएगा पर्सन के अंदर। ठीक, और पर्सन कहाँ पे असाइन हो जाएगा फिर, न्यू ऑब्जेक्ट में। मैं आपको बताता हूँ, तीनों को प्रिंट करा लेते हैं फिर आपको समझ में आएगा। कंसोल डॉट लॉग, पहले कराते हैं आप प्रिंट स्टूडेंट को, ठीक, उसके बाद कराते हैं पर्सन को, ठीक, उसके बाद कराते हैं न्यू ओबीजे को। अब जरा आउटपुट देखते हैं। तो मैंने अपना लाइव सर्वर ओपन कर रखा है ऑलरेडी। तो देखिए पहले हमने कराया स्टूडेंट, तो स्टूडेंट में दो ही चीजें थी, जेंडर और सब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन हमने जो हमारा पर्सन था उसमें मर्ज करा दी दूसरे वाले ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज। तो देखिए इसमें आ गई सब सब वैल्यूज, यानी कि स्टूडेंट जितना भी डेटा था उसमें आ गया जेंडर और सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे आईडी नेम और फोन नंबर उसमें पहले से ही था। ठीक है, फिर ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये उठ के आपका न्यू ओबीजे में स्टोर हो गई। तो जितनी भी चीजें इसमें थी वो सब इसमें आ गई हैं। ठीक है, तो यही है। ठीक, अब एक काम और करते हैं, जैसा हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा था कि स्प्रेड ऑपरेटर से और देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने कमेंट करा, इसको हम कमेंट कर देते हैं और अब मैं आपको दिखाऊंगा यूजिंग स्प्रेड ऑपरेटर। तो देखिए स्प्रेड ऑपरेटर लगाएंगे, ट्रिपल डॉट्स यहाँ पे लगाने हैं आपको और ट्रिपल डॉट्स आपको यहाँ पे लगाने हैं। ठीक, तो देखिए इससे होगा क्या, तो जो भी डेटा आपका पर्सन का और स्टूडेंट का दोनों का उठ के सीधे इसमें आ जाएगा न्यू ओबीजे में। ठीक है, पर्सन सेपरेट रहेगा, स्टूडेंट सेपरेट रहेगा, बट इन दोनों का जो भी डेटा होगा वो स्टोर हो जाएगा न्यू ओबीजे में। ठीक है, मर्ज होके। ठीक, दिखाता हूँ मैं आपको आउटपुट। तो देखिए ये है हमारा आउटपुट, देखिए ये था हमारा स्टूडेंट, ठीक, जेंडर और सब्जेक्ट थे उसमें, ये था हमारा पर्सन, आईडी नेम और फोन नंबर थे, देखिए दोनों सेपरेट हैं, लेकिन उन दोनों की प्रॉपर्टी मर्ज होकर सीधे सीधे स्टोर हो गई न्यू ओबीजे में। तो न्यू ओबीजे में सब आ गई वैल्यू, इसकी भी और इसकी भी। ठीक है, अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, देखिए अगर इन दोनों में कोई भी चीज सेम है, सपोज करिए मैं एक और ऐड कर देता हूँ, सपोज करिए मैं दे देता हूँ इसमें नेम, ठीक है, और नेम दे देते हैं सपोज करिए सचिन। ठीक, तो अब होगा क्या, जब ये मर्ज हो रही होंगी तो जो बाद वाला ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टी इसमें ओवरराइट हो जाएगी। तो अब जो आपका न्यू ओबीजे में नेम आएगा वो आएगा सचिन। मैं आपको दिखाता हूँ आउटपुट। तो देखिए ये देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं न्यू ओबीजे में आपका जो नेम आया वो आया सचिन। ठीक, क्लियर, आई होप गाइस ये आपको बिल्कुल समझ में आया। तो अगर बिल्कुल आपको समझ में आ गया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में जरूर बता दो कि वीडियो को कैसा लगा है। ठीक है, दोस्तों का शेयर भी कर देना। और हाँ, ये जो सीरीज है इसको एक्सेस कर लीजिए, इसमें बिगनर टू एडवांस लेवल की सारी प्रॉब्लम्स कराई हुई हैं। ठीक है, आपको अच्छे से जावास्क्रिप्ट आ जाएगी प्लस आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन भी हो जाएगी। ठीक है, चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी मोटिवेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।